वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल शुभोज वर्ल्ड। कैसे हो आप सब? आई होप यू पीपल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट। सो मैं आई हुई हूँ अपने होम टाउन एंड अभी मैं हूँ अपने मामा जी के घर पे एंड मैं उनके टेरेस पे हूँ। तो यहाँ उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स एंड फ्लावर्स लगा रखे हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ एंड मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा गार्डन टूर दूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी आप लोगों को दिखाने के लिए एंड आई होप आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इसे देखने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो द फर्स्ट वन इज़ आम्रपाली। ये मैंगो का पौधा है। दिस इज़ अ हाइब्रिड मैंगो। दो मैंगो वेराइटी दशहरी एंड नीलम को मिला करके इसे डेवलप किया गया था इन 1971 दिल्ली में। द सेकेंड वन इज चीकू, कॉमनली नोन एज सैपोडिला सैपोटा नेसबेरी। की जो नेटिव है वो है सदर्न मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका एंड द कैरिबियन। इट्स अ पावर हाउस ऑफ नरिशमेंट एंड कीप्स बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इट्स ऑल्सो रिच इन पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम एंड आयरन। उसके बाद तीसरा जो हमारा पौधा है वो है मैरी गोल्ड, यानी गेंदे का फूल। उसके बाद आपको जो ये छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं, दीज आर लेडी फिंगर या कह सकते हैं ओकरा और ओकरो। जियोग्राफिकल ऑरिजिन है इसकी वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ एशिया। इट्स गुड फॉर आईज, प्रोडक्शन इन RBC एंड ऑल्सो गुड फॉर डायबिटीज। जो नेक्स्ट पौधा है वो है फ्रेंच बीन और ग्रीन बीन, स्नैप बीन और स्ट्रिंग बीन। इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। इट्स हाई इन विटामिन के, ऑल्सो कंटेन्स डिसेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम फॉलिक एसिड एंड फाइबर। सो ये है कॉपर लीफ प्लांट और फायर ड्रैगन प्लांट, बीफ स्टिक प्लांट और रेड लीफ, साइंटिफिकली नोन एज अकाल्फा इंडिका। दिस इज अनदर पॉपुलर मेंबर ऑफ जीनस अकाल्फा ग्रोन इन साउथ फ्लोरिडा। नेक्स्ट प्लांट है गार्डन क्रोटन और फायर क्रोटन और वेरीगेटेड क्रोटन। साइंटिफिक नेम है कोडियम वेरीगॉटम। ऑरिजिन है इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन आइलैंड। द नेक्स्ट वन इज कॉर्न और मेज, साइंटिफिकली नोन एज जिया मेज। इज सीरियल ग्रेन फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन साउदर्न मैक्सिको अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। लीफी स्टैक ऑफ प्लांट प्रोड्यूसेस पॉलन इनफ्लोरेसेंसेस। नेटिव टू सेंट्रल अमेरिका। इट इज़ रिच इन फाइबर, विटामिंस, मिनरल एंड एंटीऑक्सीडेंट। इट इज़ ऑल्सो अ डिसेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। द नेक्स्ट वन इज सीडियम गुजावा, वेल नोन एज ग्वावा और अमरूद। ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। इट्स फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट आफ्टर मैंगो, बनाना एंड साइट्रस। इट हेल्प्स इन लोअर ब्लड प्रेशर, सुगर एंड टू हेल्प इम्यूनिटी। ग्वावा के बिल्कुल पास में है यानी लाइम और लाइम। साइंटिफिक नेम है सिट्रो फॉर्टिनेला हाइब्रिड। ओरिजिनेटेड इन फ्लोरिडा। इट्स रिच इन विटामिन सी, ऑल्सो लोअर्स कोलेस्ट्रॉल। इसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं एंड उसके अंदर फ्रूट्स आते हैं। दिस इज एंड उसी के अंदर ये फ्लावर फ्रूट्स आते हैं। अब आ गए हैं हम इस छोटे से गार्डन के पास। इसमें हैं हमारे तीन पौधे, वो है स्पॉन्ज गार्ड, रिज गार्ड एंड स्पिनच। स्पॉन्ज गार्ड यानी घेवड़ा परोल, इसे यहाँ बिहार के लैंग्वेज में बोलते हैं। साइंटिफिक नेम है लूफा सिलेंड्रिका। नेक्स्ट इज रिज गार्ड यानी तुरई, लूफा ऑक्टोंगुला। थर्ड इज स्पिनच यानी स्पिनेशिया ऑलरेशिया, विच इज हाई इन आयरन, विटामिन, कैल्शियम एंड ओरिजिनेटेड अबाउट 2000 ईयर्स अगो इन एंशियंट पर्सिया। नेक्स्ट इज रेड स्पिनच और रेड एमरेंथ लीव और लाल साग। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम एंड ऑल्सो गुड फॉर इम्यूनिटी। सो दिस इज अनदर मैंगो सैपलिंग नेम्ड मलिका। ये भी एक हाइब्रिड मैंगो है। मैंगो वेराइटी नीलम एंड दशहरी को मिला करके बनाया गया है। उसके बिल्कुल पास में आ जाता है पोमोग्रेनेट यानी अनार। इसका साइंटिफिक नेम है पूनिका ग्रैनुटन्स। ओरिजिनेटेड इन रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईरान टू नॉर्दर्न इंडिया, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू स्पेनिश अमेरिका। इट्स हाई इन वाइटामिन सी, एंटी ऑक्सीडेंट्स, हेल्प्स इन डाइजेशन एंड ऑल्सो हार्ट डिजीज। नेक्स्ट है लीची यानी लीची चेनेसिस। इट्स नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, ग्रोन कॉमर्सली इन चाइना एंड इंडिया। चाइना इज मेन प्रोड्यूसर ऑफ लीची, फॉलोड बाय इंडिया एंड अदर कंट्रीज लाइक साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका एंड द इट कंटेन्स मिनरल्स, विटामिंस, एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज पोटेशियम, कॉपर, विटामिन सी एंड रूटीन। उसके बिल्कुल पास में है हिबिस्कस प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस सबटरिफा। इसे चाइना रोज भी कहते हैं एंड अलग अलग डिफरेंट कलर्स में ये फ्लावर्स आते हैं।
हिबिस्कस के पास है बॉटल गार्ड यानी लौकी या कद्दू भी कह सकते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है लिगनारिया सिकेरारिया, ऑल्सो नोन एज वाइट फ्लावर गार्ड या लॉन्ग मेलन। नेक्स्ट है सौंफ या फेनल सीड्स। इट इज ओरिजिनेटेड इन सदर्न मेडिटेरियन रीजन, ग्रोज वाइल थ्रू आउट नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर स्पेशली एशिया। इट प्रमोट्स डाइजेस्टिव हेल्थ, कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूसेस अस्थमा। नेक्स्ट है मस्टर्ड यानी सरसों, साइंटिफिक नेम है ब्रासिका, इट्स यूज्ड एज स्पाइस। येलो एंड व्हाइट मस्टर्ड इज फ्रॉम सदर्न यूरोप एंड ब्राउन मस्टर्ड इज फ्रॉम चाइना, इंट्रोड्यूस्ड टू नॉर्दर्न इंडिया। मस्टर्ड ग्रीन आर रिच इन विटामिन ए सी एंड के, इट्स गुड फॉर आई एंड हार्ट हेल्थ एज वेल एज एक्ट एज एंटी कैंसर एंड इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है एरिका पाम, ऑल्सो नोन एज कैन पाम और बटरफ्लाई पाम, साइंटिफिकली नोन एज टाइप्सिस ल्यूटिसन। इट ग्रोज इन मच ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक एशिया एंड पार्ट्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका। इट्स बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन आइदर मलेशिया और फिलीपींस। एरिका पाम के बिल्कुल नीचे है पुदीना यानी मिंट, साइंटिफिकली नोन एज मेंथा, नेटिव टू यूरेशिया नॉर्थ अमेरिका साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इट्स पैक्ड विद नंबर ऑफ बेनिफिट्स लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स। इट्स ओल्डेस्ट कलिनरी हर्ब्स नोन टू मैनकाइंड। इट हैज मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एज इट वर्क्स वंडर्स इन ऑल योर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है सेम, साइंटिफिकली नोन एज हायसिंथ मीन। इट्स नेटिव टू इंडिया। इट्स वन ऑफ लेसर नोन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फूड। इट्स गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ऑल्सो नोन एज स्वीट पर्स, वाइल्ड बीन, इजिप्टियन किडनी बीन एंड इंडियन बीन। इट हैज लो सैचुरेटेड फैट एंड सोडियम, ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ थायामीन, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। नेक्स्ट है बथुआ, साइंटिफिक नेम है चिनोपोडियम एल्बम, कॉमन नेम इंक्लूड्स कूस फुट, मैन्योर वीट एंड वाइल्ड स्पिनच। इट्स एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड कंज्यूम्ड इन नॉर्दर्न इंडिया। नेक्स्ट है मेथी यानी फेनोग्रिक, साइंटिफिक नेम है ट्रेगोनीला फाइनम। इट इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। इट्स लीव एंड सीड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फॉर मेडिकल यूज। इट हैज लोअरिंग ब्लड शुगर कैपेसिटी एंड बूस्टिंग टेस्टोस्टेरोन एंड लोअरिंग इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट है डालिया फ्लावर, इट्स नेटिव टू मेक्सिको एंड सेंट्रल अफ्रीका। डालिया वॉज डिक्लेयर्ड द नेशनल फ्लावर ऑफ मेक्सिको इन 1963। इट्स गार्डन रिलेटिव्स इंक्लूड सनफ्लावर, डेजी, जीनिया। देर आर 42 स्पीसीज ऑफ डालिया ऑल अराउंड द वर्ल्ड। डालिया के बिल्कुल पास में है प्याज यानी अनियन, साइंटिफिक नेम इज एलियम सेपा। इट्स क्लोज रिलेटिव्स इंक्लूड गार्लिक, शैलॉट, लीक एंड चाइनीज अनियन। इट्स कल्टिवेटेड एंड यूज अराउंड द वर्ल्ड। अनियन आर नॉर्मली अवेलेबल इन 3 कलर्स, ब्राउन, रेड एंड व्हाइट अनियंस। अनियंस आर वेरी गुड फॉर हेयर एंड इट्स गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन सी। अनियन के बाद नेक्स्ट है रोज यानी गुलाब, साइंटिफिक नेम इज रोजा। देर आर ओवर 300 स्पीसीज ऑफ रोज। मोस्ट स्पीसीज आर नेटिव टू एशिया विद स्मॉलर नंबर नेटिव टू यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ वेस्टर्न अमेरिका। अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट रोज इन अमेरिका वर फाउंड इन मॉडर्न डे कोलोराडो। टूडेज गार्डन रोजेज केम फ्रॉम 18th सेंचुरी फ्रॉम चाइना। रोजेज आर बेस्ट नोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। नेक्स्ट है केला यानी बनाना, साइंटिफिक नेम इज मूसा एकोमिनाटा। बनानाज वर ओरिजिनेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ पैसिफिक अराउंड 8000 टू 5000 BC। नेक्स्ट है सदाबहार का पौधा, साइंटिफिक नेम है मेडागास्कर पेरीविंकल, कॉमनली नोन एज ब्राइट आई, कैप पेरीविंकल, पिंक पेरीविंकल और ग्रेवयार्ड प्लांट। इट्स नेटिव टू मेडागास्कर बट ग्रोन एल्सवेयर एज एन ऑर्नामेंटल एंड मेडिकल प्लांट। इट इज अ सोर्स ऑफ ड्रग विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, used to treat cancer. It's widely cultivated in tropical and subtropical areas of world like Australia, Malaysia, India, Pakistan and Bangladesh. Also, it comes in two color, white and pink. The next is very common and very popular aloe vera. It is originated from Arabian Peninsula but grows wild in tropical, semi-tropical and arid climates. It's cultivated for agricultural and medicinal uses. It's a cactus-like plant that grows in hot and dry climate. It's used for skin and hair. Oral uses of aloe vera is promoted for weight loss, hair loss, diabetes and hepatitis. And here comes last but not the least, lemongrass, also known as Cochin grass, Malabar grass and Fever grass. It's native to Sri Lanka and South India but now grows in many countries.
It is estimated that 55 species of lemongrass exist, but only East Indian and West Indian varieties are suitable for the use of cooking. So that was it for today's video. I hope you enjoyed the video and found it informative too. So if you did, then do not forget to subscribe my channel, like my video and share as much as you can.